इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, सरकार बनने के बाद प्रत्येक परिवार को एक रोजगार देने की कही बात। बैरिकेड्स हटाकर बहनों से मिलने पहुंचे, महिलाएं हुई भावुक। पानसेमल नगर में आज शिवराज सिंह चौहान जनसभा करने पहुंचे थे, जहां पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही। सभा स्थल पर पहुंचते समय जलगोंड रोड पर स्थित प्रियदर्शनी विद्यालय के विद्यार्थियों ने शिवराज सिंह चौहान का पुष्पहार से स्वागत किया, जिसके बाद वे काफिले को रोककर बच्चों से मिलने पहुंचे थे। करीब 11:30 बजे जलगोंड रोड पर बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जिनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, यदि सरकार आने के बाद प्रत्येक परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, सुमेर सिंह पटेल सहित भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। मंच के बाद बैरिकेड्स हटाकर वे बहनों से मिले। उनके द्वारा आज जिले में पानसेमल तथा सेंधवा विधानसभा में जनसभा की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद बहनें भावुक हो गई थी। मंच से श्याम राव बर्डे ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया और छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी उपलब्धि मिलने की बात बताते हुए क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया। मेरा नाम आरती राजकुमार सरवेटी है, मैं निवाली की रहने वाली हूँ। मामा ने कार्यक्रम के बाद सारी बहनों से मिले और बातचीत करी। बहनों ने मामा पे फूल बरसाए और मामा ने कहा कि मैं आपके लिए योजनाएं निकालता रहूँगा और बहनों के लिए लाभ है ये, क्योंकि मामा हमारे लिए सब कुछ सोचते हैं और ये एक योजना है जो हमारे लिए काम में आती है। मामा ने लाडली बहनों के लिए इतना कुछ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाडली बहनों में लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है। मम्मी को भी मिलता है, मैं लाडली लक्ष्मी में। वो प्रोटोकॉल तोड़ के आप लोगों से मिलने भी आए? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं निवाली से कार्यकर्ता हूँ और मामा जी का भाषण सुनने के लिए सारी लाडली बहनाएं कम से कम हम 9 बजे से आके बैठे हैं उनका भाषण सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी योजनाएं दी, लाडली बहने के बारे में इतना सोचा और हम लोगों के बारे में भी इतना सोचा। इसलिए हम शिवराज मामा का धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारी लाडली बहना के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। देखिए, आज ये आयोजन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे देश के जननायक, हमारे बच्चों के मामा, किसानों के मसीहा एवं बहनों के भाई आज पंचोली विधानसभा में पधारे थे। और निश्चित ही हम सबको ज्ञात है हमारे प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था। अच्छा, इस दौरान उन्होंने प्रत्येक परिवार को एक रोजगार देने की भी बात कही, सरकार आने पर उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम आप सब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। अगर नहीं भी बोली तो भी योजना लागू करके जनकल्याणकारी योजनाओं, गरीबों के हित की योजना बनाती है और योजनाओं को अमल करती है। आज बहनों से भी वो बैरिकेड्स हटाकर मिले, बहनें भी भावुक हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश की मुखिया और बहनों का भाई और बहनों का अटूट एक प्रेम है। ये वास्तव में उनके प्रेम के कारण और हम सबको ज्ञात है, भैया महिलाओं को सम्मान देने का काम करा, बहनों का सम्मान देने का काम करा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, इसलिए इन दोनों का एक प्रेम का वो धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।